हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मनोज शर्मा और आज इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे 3.3 एक्सरसाइज, जिसमें आपको बताना है कि द्विघात समीकरण क्या होती है, किस टाइप की होती है ना। द्विघात समीकरण मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सब कुछ समझोगे आप, है ना। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी बातें, तो देखते जाइए, बस लास्ट तक जुड़े रहना, बस लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके अंदर 3.3 में, ठीक है। इससे पहले बहुत सारी एक्सरसाइज करवा चुका मैं, सेकंड एक्सरसाइज हो चुकी है वैदिक मैथ की, प्लेलिस्ट में जाके देखो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी सब अलग अलग टॉपिक की, वैदिक मैथ की जो उसकी नंबर सिस्टम, वो रियल नंबर की, वास्तविक संख्याओं की, है ना। ये देखो अब आगे इस क्वेश्चन पे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण क्या होती है। जब तक वही नहीं पता, देखो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, क्वेश्चनों के पीछे मत भागना, आंसर के पीछे मत भागना, कॉन्सेप्ट के पीछे भागना कि द्विघात समीकरण होती क्या है, ये तो पता होना चाहिए। कुछ बच्चों को पता भी होगी, अब जिनको नहीं पता है वो बता देता हूँ मैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ना, इक्वेशन, अभी देखो इक्वेशन का सबका मतलब बता दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। द्विघात है ना, देखो अब यहां ध्यान से देखो, क्वाड मींस होता है, देखो यहाँ क्वाड मींस होता है, यहां पर लेते हैं अपन टू के लिए डिनोट करते हैं क्वाड, ठीक है। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ हिंदी मीडियम के लिए, द्वि, द्वि मींस दो, है ना। और इक्वेशन, इक्वेशन मीन्स होता है समीकरण, जिसके अंदर इक्वल का साइन हो। देखो इक्वेशन और एक टर्म होती है एक्सप्रेशन, अभी इन दोनों में डिफरेंस पूछूंगा आप लोगों को, है ना। एक तो होती है इक्वेशन, एक होती है एक्सप्रेशन, इन दोनों में डिफरेंस पूछूंगा। तो द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक, वो समीकरण है पॉलिनोमियल की, बहुपद की, वो समीकरण जिसकी घात डिग्री दो हो, है ना। हाइएस्ट एक्स की पावर कितनी हो, दो। जैसे एग्जाम्पल दू, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो ये कौन सी है, एक द्विघात समीकरण, द्विघात क्वाड्रेटिक मीन्स टू, जिसमें एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या हो, दो हो, उसको क्या बोलेंगे, द्विघात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा दो होनी चाहिए। अगर इसमें एक्स का तीन दिख जाए ना आपको, ऐसे लिखा हुआ दिख जाए, है ना, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी, तीन हो गई, ठीक है। तो सिर्फ x की सबसे बड़ी घात है दो होनी चाहिए, दो से बड़ी घात नहीं होनी चाहिए, और जिसमें दो नहीं है उसको भी नहीं होते। सपोज मान लो ये ऐसे ही लिखा हुआ है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये द्विघात नहीं है, लीनियर रेखीय इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि इसकी x की पावर एक है, ठीक है। जब x की पावर एक हो तो उसको बोलते हैं लीनियर या रेखीय समीकरण, ठीक है। और x की घात अगर दो हो जाए तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक द्विघात, और x की घात तीन हो जाए तो उसको बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक मीन्स जिसमें तीन घात हो, ठीक है। आगे देखो, तो इसका मतलब तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ये समीकरण और इक्वेशन, इसका डिफरेंस समझा देता हूँ, है ना, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। देखो इक्वेशन में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर इक्वल आ रहा है, इक्वल, है ना, ये इक्वल से बना है इक्वेशन, जिसमें अगर इक्वल लग रहा हो उसको बोलते हैं इक्वेशन, और जिसमें इक्वल का साइन ना हो उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, समझ रहे हो। समीकरण उसी को बोलते हैं जिसमें इक्वल का साइन हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल टू माइनस टेन, तो इसको बोलेंगे इक्वेशन बोलेंगे, है ना। क्या क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है, और जिसमें इक्वल का साइन नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे। जैसे ये प्लस टू, ओनली ये लिखा हो प्लस टेन, अब इक्वल इक्वल कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गई, एक एक्सप्रेशन हो गई, है ना। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में आपको डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। अब चलते हैं, इसका मीनिंग तो पता चल गया होगा, जिसमें दो घात हो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, देखो क्वेश्चंस क्या कहता है। देखो इसको सॉल्व करके बताना है, चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, बस ये कि दिमाग में रखना है, सबसे बड़ी एक्स की घात क्या होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। तो आ जाओ देख लो, बड़ा ही आसान सा सवाल है, इसको सोल्व करते हैं। देखो पावर का इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो पता चला जाए, पता चलेगा कि एक्स की घात कितनी आएगी, और इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो पहले तो। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये एक बार इसके साथ होगा और एक बार इसके साथ होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x, 2x नहीं आएगा, x की घात 2 आएगा, 1x, 1x, 2x, x की घात 2,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या आएगा, एक्स आएगा, और ये प्लस आठ एज इट इज़। ठीक है, अब इधर देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, या इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप ऐसे कर लो, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस आएगा, प्लस और माइनस, यहाँ के साइन भी मल्टीप्लाई होता है, प्लस और माइनस माइनस आएगा और ये 2x हो गया। ठीक है, अब आगे देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस 2x आएगा इससे मल्टीप्लाई, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और माइनस माइनस मल्टीप्लाई, 2 × 2 = 4, ये हो गया। ठीक है, अब इधर आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, देखो ये माइनस का 2x और ये प्लस का 2x कट गया है तो इधर क्या आ गए, 4 आ गए। ठीक है, अब क्या करना है, इस पूरे को इधर ले आओ, इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 8, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा इधर प्लस में, और ये माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये तो माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। ठीक है, अब जो कट रहे हैं काट दो, जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ दो। अब देखो ध्यान से, ये तो प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कट गया, कट गया कि नहीं, तो ये एक्स इसके किसी के साथ कटेगा नहीं, तो एक्स एज इट इज, ये 8 + 4 कितना आ गया, ये आ गया 12 = 0। तो ये कौन सी इक्वेशन बनी, एक्स की सबसे बड़ी घात क्या है, एक्स की घात, एक्स की घात कितनी है, 1 है, और एक्स की घात 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रैखिक, रैखिक रैखिक समीकरण, है ना, रेखीय रेखीय, है ना, रेखीय मीन्स रेखा, रेखा की समीकरण समीकरण। ठीक है, क्या बोलते हैं, लीनियर, इंग्लिश मीडियम में लीनियर, लीनियर, ये देखो लाइन लाइन लिखा हुआ है, लाइन लीनियर इक्वेशन, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। एक्स की घात जब है ना, पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ, डिग्री कोटि बोलते हैं हिंदी में ना, कोटि, कोटि कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ये लिख देना आप लोग, तो समझ में आया, इसकी घात कितनी है, 1, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, वो ये पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसे लिख देना है, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये लिख लेना आप, देखो ये मैं जो लैंग्वेज ज़्यादा इसलिए नहीं लिखता क्योंकि मेरे को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना पड़ता है और आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, लिखने में टाइम ज़्यादा जाता है, तो ये समझ में आ गई। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, कुछ नहीं करनी है ना, बहुत ही आसान सा सवाल है, समझ में आ गया होगा, देखो समझ में आ गया तो लाइक करो, अभी के भी लाइक करो, जो थम है वो, अब देखो इसको मैं वापस नहीं लिखूंगा क्योंकि इसमें काम आएगा है ना, आपको तो दोबारा लिखना पड़ेगा, उसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 2 को, तो देखो ये एक्स प्लस 2^3 कितना है, 3 है, सही है, ये 3 है। अब देखो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको है ना, फॉर्मूला पॉलिनोमियल की जो आइडेंटिटीज़ हैं, बहुपद की जो सूत्र हैं, फॉर्मूलाज है, वो याद होना चाहिए। अब इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें दिख रहा है आपको क्या, एक्स प्लस वाई ए प्लस बी की फॉर्मूला, ए प्लस बी का 3, ये लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए अब आपको है ना, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा है, देखो याद करने का, पहले तो ए का क्यूब कर दो, फिर बी का क्यूब कर दो, पहले ए का क्यूब फिर बी का क्यूब, प्लस 3 लगा दो जो घात में, और ए बी का गुणा कर दो, ए बी का गुणा कर दो, और फिर वापस से ए प्लस बी को जोड़ दो, बड़ा ही आसान सा है। क्या किया, ए का क्यूब किया, फिर बी का क्यूब किया, प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, आसान सा था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या करेंगे, इससे अपन इसको सोल्व कर लेंगे, आओ उधर। अब ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर एक्स, ए इक्वल टू क्या है एक्स, और बी की वैल्यू क्या है, पर बी की वैल्यू है 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखना है आपको, इधर सोल्व करते हैं हम, देखो तो ए क्यूब है ना, पहले एक बार इधर लिख देता हूँ, चलो मैं इसको, अब फॉर्मूला लगाओ इसमें, ए क्यूब, ए क्यूब मीन्स एक्स का क्यूब, तो एक्स का क्यूब, बी क्यूब प्लस बी क्यूब मीन 2 का क्यूब, अब 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, या तो डायरेक्ट 8 लिख दो, या नहीं 2 का क्यूब लिख दो, 3 ए ए गुणा एक्स, बी बी मीन 2 है ना,
थ्री ए बी है ना, और ब्रैकेट में ए प्लस बी मीन्स इन दोनों का योग इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया है और कुछ नहीं किया, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो ए प्लस बी वा होल स्क्वायर वाले और क्यूब वाले फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, ट्वेल्थ तक काम आते जाएंगे। ट्वेल्थ क्या, आगे जब तक पढ़ोगे तब तक काम आते जाएंगे, तो ये तो याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, अब इधर देखो, ये हो गया एक्स क्यूब, ये हो गया अपना आठ। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो, ये टू है, टू इंटू थ्री कितना हो गया, सिक्स एक्स हो गया, कितना हो गया, सिक्स एक्स हो गया, सिक्स एक्स, और ब्रैकेट में एक्स प्लस टू है, और इधर क्या लिखा है, एक्स थ्री माइनस फोर। ठीक है, बस ये मल्टीप्लाई करके लिखा है। अब मैं इस सिक्स एक्स को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब प्लस एट, अब देखो ये सिक्स है, ये एक्स है, इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो सिक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी सिक्स है, ये टू है, सिक्स इंटू टू कितना होता है, ट्वेल्व हो जाएगा, और एक्स है जेटी साथ में, और ये देखो इसको भी मैं इधर लेके आ रहा हूँ, इन दोनों को मैं बराबर की साइड ला रहा हूँ, तो ये प्लस वाला है एक्स का क्यूब, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा उधर प्लस में, और वो प्लस चार है तो इधर आके प्लस फोर हो जाएगा, उधर माइनस में है ना फोर, इधर आके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, जो काट रहे हो काट दो, नहीं कट रहे हो देखो, ये x प्लस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का है माइनस का है, सेम सेम है, कट गए सेम। जब पावर बराबर, ध्यान रखना उन्हीं को काटना जिनकी घाते बराबर हो, उन्हीं का जोड़ और घटाना उन्हीं के साथ होता है जिनकी घाते बराबर हो, कहीं आप तीन और दो को जोड़ दो और घटा दो, याद रखना एक्स की पावर देखना, आपको तीन है तो ये तीन है, तो ये दोनों बराबर होंगे पद, है ना। अब आगे देखो, अब क्या रह गया, ये तो किसी के साथ जुड़ेगा नहीं, तो इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, ये 12x, ये भी किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, तो इसको भी एजिट रहने दो। 8 प्लस 4 कितना हो गया, 12 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो फाइनल अपने पास ये निकल के आ गया, जब इसको कैलकुलेट किया तो फाइनल क्या निकल के आ गया, ये आ गया, आगे कुछ कट पिट नहीं रहा। अब मुझे बताओ x की सबसे बड़ी घात क्या है, x की घात कितनी है सबसे बड़ी, यहाँ पर x की घात आपको क्या दिख रही है, दो दिख रही है, ध्यान से देखो दो। ठीक है, तो दो घट दिख रही है, तो ये कौन सी है, ठीक है, दो दिख रही है, तो डिग्री कितनी आ गई, डिग्री अपने पास आ गई दो आ गई, कोटि कितनी है, दो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन, यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी घात कितनी आ गई, दो, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे लिख देना, क्योंकि इसकी घात कितनी आ गई, डिग्री कितनी आ गई, दो आ गई, अगर नहीं आती तो नहीं है, ऐसे लिख देते। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, आगे चलते हैं। एक फोर्थ क्वेश्चन और बता देता हूँ उसमें, बाकी थर्ड तो आप कर लेना, ईजी सा है। देखो तो लिखा हुआ है अपने पास वन एक्स एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या, चलो यही लिखा होगा। आगे देखो, इसका तो काम हो ही गया, इसको तो रफ कर देते हैं। देखो एक फोर्थ क्वेश्चन और है, इसमें ये लिखा हुआ है, और ऐसे लिखा हुआ है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। ठीक है, एक्स का मान जीरो नहीं हो सकता। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो सोल्व करना बहुत आसान है, ये ऐसे लिखा है ना, इसका मतलब ये गुणा में है, गुणा में है, तो याद रखो ये एक एक्स है, एक एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पर एक्स और यहाँ पर भी एक एक्स बचा, तो एक्स प्लस एक्स कितना आ गया, टू एक्स, एक्स प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर मत कर देना, ये कितना हो गया, टू एक्स। तो बताओ एक्स की घात कितनी है इसमें। अब देखो इसके ज़रूरी नहीं है इसके साथ कोई दो बराबर में भी हो, और बराबर में कुछ पाँच जीरो भी लिखा हो, जरूरी नहीं है, अगर जीरो लिखा हो तो इक्वेशन है, लेकिन वो क्या है कि एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है सब कुछ लिखा, अकेला है कि ऐसे भी लिखा होता है ना, तो ये भी बहुपद है, पॉलिनोमियल है, एक सिंगल टर्म सिर्फ, बट टर्म कितनी है इसमें, पद कितने, एक है, तो एक्स की घात कितनी है, है ना, डिग्री कोटि कितनी है, यहाँ पर एक है, तो यह क्या है, है ना, डिग्री, तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन, तो यह द्विघात नहीं है, लिख देना, है ना, ये क्या है, एक द्विघात नहीं है। ठीक है, ये कौन सी होगी, ये भी लीनियर होगी, यह द्विघात समीकरण नहीं है, तो इस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया होगा आप लोगों के, है ना।
ठीक है, ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो बड़ा ही आसान और बेहतरीन क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन मेथड से एक्स के मान निकालना। फैक्टराइजेशन हिंदी मीडियम वालों के लिए गुणनखंड विधि बोलते हैं इसको। बड़ी आसान है, बेहतरीन क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा। देखो चुटकियों में सोल्व करेंगे। देखो क्या है इसमें, सबसे पहले अपने को एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एक्स की जितनी सबसे बड़ी घात पावर होती है ना, घात होती है, डिग्री बोल दो किसी इक्वेशन में, उतने ही एक्स के मान आते हैं। कितने आते हैं? उतने ही एक्स के मान होते हैं जितने एक्स की घात होती है ना, जितनी घात होती है मतलब डिग्री जितनी सबसे बड़ी। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं, एक्स के यहाँ सबसे बड़ा मान क्या है, घात डिग्री कितनी है? 2 है। इसमें 2 ही दिख रही है ना, तो इसमें एक्स के 2 मान आएंगे लास्ट में, एक्स के 2 मान आएंगे, समझ रहे हो? यहाँ भी एक्स की घात कितनी दिख रही है, सबसे बड़ी 2 दिख रही है, तो यहाँ भी कितने आएंगे? 2। अगर यहाँ मान लो यहाँ 3 होती, एक्स की घात कितनी होती? 3। तो एक्स के 3 मान आते हैं लास्ट में, ए है ना, 3 ऐसा आता है ना लास्ट में, 2 मान 3 है वैल्यू, आगे 2 वैल्यू, तो 3 वैल्यू आती, समझ रहे हो? अगर एक्स की घात 4 होती है तो उसके लास्ट में 4 वैल्यू आती है, समझ रहे हो? तो एक्स की जितनी बड़ी पावर होती है, जो डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल की, उतने ही उसके मान आते हैं, वैल्यूज आती है लास्ट में जब सोल्व करते हैं ना, एक्स के मान आते हैं। तो ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास घात कौन सा इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसके लास्ट में 2 मान आएंगे एक्स के, पता रहना चाहिए आप लोगों। अगर एक्स की घात 1 हो तो, या मान लो 1 है, तो तब कितने? सिर्फ 1 ही मान आएगा, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। अब करते हैं इसको सोल्व। देखो सबसे पहले क्या करना है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं हो, चलो मान लो, चलो मैं 1 ले लेता हूँ, अगर यहाँ कुछ नहीं हो तो 1 मान लो। यहाँ इसके साथ होता है उसको ए बोलते हैं, ये जो बी होता है ये सी होता है, ये तो पता होना चाहिए, ए बी सी स्टैंडर्ड फॉर्म में, नहीं पता तो मान लो इनको ऐसे बोलते हैं। अभी देखो क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स ए और सी को गुणा करते हैं। ए क्या है? 1, और सी क्या है? 16। कितने आ गए? 16। अगर यहाँ प्लस माइनस भी लगे होंगे ना, तो यहाँ प्लस माइनस लगाना, याद रखना, ठीक है। अब बी का मान क्या है? बी का मान है -8। 8 मत बोलना, साइन के साथ मैंने कहा ना, अगर माइनस हो तो माइनस भी लेना है। तो बी का मान क्या है यहाँ पर? बी का मान है अपने पास -8। तो इस 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि उनको जोड़ें या गठाएं, तब तो 8 आए, और उनको गुणा करें तो क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए। मतलब ऐसे 2 टुकड़े आने चाहिए। 2 टुकड़े मीन्स जैसे मैं कुछ ले लो, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देके बता। अब वो कैसे पता चलाएं कि यार वो 2 टुकड़े कौन से होंगे जिनको गुणा करें तो 16 आना चाहिए और जोड़े या घटाए तो -8 आना चाहिए। अब देखो कैसे पता लगाएं, ये जो 16 लिखा हुआ है ना, जो पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, इसके गुणनखंड लिख दो सारे। गुणनखंड मीन्स 2 नंबर ऐसे चूज करो जिनका गुणा करें तो 16 आए। अब सबसे पहले 1 को उठा लो, 1 नंबर को, 1 से स्टार्ट होना है। 1 को किससे गुणा करूं कि 16 आ जाए? सीधी सी बात है सर, 16 से करना पड़ेगा, वरना तो किसी से नहीं आएगा, है ना। 1 को 16 से करेंगे तभी तो 16 आएगा, बात सही है कि नहीं? तो ठीक है, 1 तो ये हो गया, 1 और 16। अब आगे देखो और देखो, 2 ले लो, 2 को किससे गुणा करूं कि 16 आ जाए? सर 8 से करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। 3 ले सकता हूँ क्या? अरे 3 16 की फैक्टर में कभी नहीं आता, 3 किसी से गुणा कर दो 16 कभी नहीं आया, करके देख लो, 4 से, 5 से, 6 से, तो 3 नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि आता ही नहीं 16। अब 4 ले लो, 4 को किससे गुणा करूँ कि 16 आ जाए? तो 4 को सर 4 से करना पड़ेगा। 5 को कर सकते हैं क्या? 6 को नहीं, 7 को नहीं, 8 को, 8 को कर सकते हैं, 8 को कर सकते हैं किससे? 2 से, लेकिन ये तो भाई पहले ही ले लिया, दोबारा नहीं लेना है ना, पहले ले लिया। 9 10 आगे कुछ नहीं आएगा, मीन्स इन 3 के अलावा कुछ नहीं आएंगे जिनको गुणा करें तो 16 आए, ठीक है। अब इन तीनों में से एक काम करो, इनको ध्यान से देखो और इनको जोड़ो या घटाओ, ये आना चाहिए इन तीनों में से, ठीक है। एक बार तो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितने आ रहे हैं? 17। -8 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? इनको घटाते हैं, घटाते हैं मीन्स इसमें से इसको घटाते हैं, 16 -1 15, -8 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा गुरुजी। अब इसको देखो, 8 प्लस 2 क्या आ रहा है? 10 जोड़ने पर, अरे घटाओ, 8 प्लस -2 कितना आ रहा है? 6। 8 आ रहा है क्या? -8 नहीं आ रहा सर, तो इसको भी नहीं लेना, इसको भी नहीं लेना। अब इसको देखो, 4 प्लस 4 जोड़ा तो कितना आया? 8, घटाया तो कितना आया? 0। 8 आ रहा है कि? हाँ सर आ गया 8, तो ये लेना है अपने को, क्या लेना है? 8। लेकिन सर इसके आगे तो माइनस लगाओ, यहाँ तो प्लस लगाओ, तो आपको क्या करना है, यहाँ अगर माइनस लगाओ तो आपको क्या करना है, इसके आगे माइनस लगाना है। किसके आगे? इसके आगे, दोनों के आगे माइनस लगाना है। क्यों लगाना है माइनस? देखो
अगर मैं दोनों के आगे माइनस लगा दूं, ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करो, ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, 4 × 4 16 हो गया, तो ये भी तो हो सकता है, 16 भी आ रहा है, और -4 और -4 क्या किया तो -8 भी आ रहा है। अब ये प्रोसेस आपके दिमाग में चलनी चाहिए, या अगर जिसको नहीं आ रहा वो लिख के कर सकता है, ये मैं इससे इजी मेथड नहीं हो सकता इस सवाल को समझाने के लिए। अब इतनी कैलकुलेशन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो इतनी चीज़ करने की जरूरत ही नहीं होगी, आप दिमाग में सोल्व कर लोगे, यार 16 आ रहा है ना, तो 16 का गुणा होगा 4 × 4, और 4 4 के आगे माइनस लगा देंगे तो -8 आ गया, बस इतना सा टाइम लगेगा। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए सारे क्वेश्चनों की, प्रैक्टिस से ही आएगा। आप सोचो सर कि इतना करेंगे क्या, ये नहीं करना, ये रफली है, ये करना नहीं है क्वेश्चन में, ये आपको समझाने के लिए कर रहा था कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, ऐसे टुकड़े दिमाग में सोचने हैं कि जोड़े गुणा करें तो 16 आए और जोड़े घटाएं तो -8 आए, तो समझ में आ गया, ठीक है। और जिनको नहीं आता तो इस प्रोसेस को उनको थ्रू गुजरना पड़ेगा, तो लिख दो अब, ठीक है। अब इसके आगे ये एक्स है, तो यहाँ एक्स भी लगा दो, और यहाँ भी एक्स लगा दो, यहाँ भी एक्स लगा दो, तो ये तो एज इट इज़, ठीक है। -8x को क्या लिखना है आपको, -4x और -4x, याद रखना इनके साथ ये x भी रहता है गुणा में, है ना, गुणा में लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, और 16 एज इट इज, इसके टुकड़े आ गए ये, और इसको एज इट इज लिख दो, ठीक, ये खत्म यहाँ तक, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको, इन दो दो के जोड़े बना लो, पहले वाले दो और लास्ट वाले दो, इन दोनों में कॉमन लेना है, कॉमन क्या आ रहा है देखो ध्यान से, इसके इसके दोनों के पास क्या है, एक्स है, दोनों के पास क्या है, एक्स है, इसके पास से एक एक्स निकाल लिया तो एक्स एक एक्स बचेगा, इसके पास से ये वाला एक्स बाहर निकाल लिया तो ये -4 बचेगा, बचेगा क्या नहीं, यहाँ जो साइन आएगा वो यहाँ लगा दो, इन दोनों के पास क्या गुणा आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है कि सर 4 इसके पास भी है, और 16 को 4 × 4 लिख सकते हैं, तो 4 इसके पास भी है, तो ये तो इसके पास तो एक्स बचा, और ये प्लस, अब याद रखना यहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा माइनस, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ तो गुरु जी आपने माइनस लगा दिया, अभी बताता हूँ क्यों। और यहाँ पर 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4, तो 1 4 बाहर निकाल लिया तो 1 4 बचेगा बराबर 0। अब गुरु जी हमें ये बताओ यहाँ माइनस क्यों लिखा, अरे भाई जब इसको गुणा करोगे ना आप, देख अंदर गुणा करो वापस, देखो इसको गुणा करें तो ये 4 को इससे गुणा किया तो -4x, इस माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 4 16, देखो वापस भाई, तो ये याद रखना, ये साइन पता होने चाहिए, इधर उधर कर दो गुणा करके देख लेना प्लस आएगा माइनस, वो का वो आना चाहिए वापस गुणा करे तो, है ना, चेक करने का तरीका बता दिया आप लोगों को मैंने, ये हो गए इसके कॉमन ले लिए। अब याद रखना हमेशा ये जब ये गुणनखंड फैक्टर करो तो ये दोनों ब्रैकेट हमेशा बराबर आएंगे, अगर ये दोनों ब्रैकेट बराबर नहीं है ना इसका मतलब आपका क्वेश्चन आपने जो फैक्टर लिए ना वो 100% रॉन्ग है, और ये दोनों अगर बराबर है तो इसका मतलब आप 100% सही भी हो, आंख बंद करके आंसर कर दो। अभी इसके अंदर इस पूरे में तो x माइनस 4 को मना रहा है, इसमें भी x माइनस 4 को मना रहा है, तो इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, एक्स माइनस 4 मैंने अगर बाहर निकाला तो इसके पास तो क्या बचा x, और इसके पास इसको बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा -4। सर ये तो दोनों सेम सेम आ गए, हाँ तो सब सेम सेम भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये दो ब्रेकेट आ जाए इनको बराबर लिख दो 0 के, इनको किसके बराबर लिख दो 0 के, एक बार तो इसको लिख दिया इस वाले भाई साहब को, यार एक बार इस वाले भाई साहब को लिख दिया, है तो दोनों एक ही एक जैसे, अरे जुड़वा पैदा हो गया ऐसे समझ लो, कभी कभी जुड़वा भी आ सकते हैं, कभी कभी अलग अलग भी एक साथ, है ना, ऐसे समझ लो। तो एक्स इक्वल टू यहाँ से इस -4 को इधर लेके जाएंगे तो +4 हो जाएगा, इधर से भी एक्स को भी 4 को उधर लेके जाएंगे तो +4 हो जाएगा, तो एक्स कितने मान आए, एक्स के सिर्फ एक मान आया है, तो दो ये लेकिन आया एक ही, क्योंकि एक ही बोलेंगे, ठीक है। तो एक्स के क्या मान आ गए, ये आ गए, ठीक है, तो एक्स के ये मान आ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको देखो, थर्ड सेकंड नहीं कराया, सेकंड फर्स्ट जैसा था इजी, मैंने सोचा आपको हार्ड हार्ड ये हार्ड लगता होगा, अंडर रूट आ गया, अरे सर क्या बेबाल आ गया, अंडर रूट आ गया, देखते डर लग गया इस क्वेश्चन को कि सर क्या है, क्वेश्चन है क्या बहंगा है। तो देखो बड़ा ही आसान सवाल है, कुछ नहीं इसके अंदर देखा जाए तो। अब मैंने क्या कहा था, पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, मतलब अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7 अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करो। अब देखो अंडर रूट ये कैसे लिखा हुआ है, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है 7 × √3, ये भी दोनों गुणा में याद रखना,
तो अंडर रूट तीन सेम सेम हो तो गुणा करके क्या आ जाता है, तीन आ जाता है। कितना आ गया इन दोनों से, तो तीन आ गया, और तीन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 21। तो ओवरऑल अपने पास इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 21। ये गुणा करना आना चाहिए। अब इस बीच वाले के टुकड़े करने हैं, इस 10 के टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तो 21 आ जाए और जोड़े घटाएं तो 10 आ जाए। अब एक ही है, एक ही फैक्टर हो सकता है, कौन, इसी में दिख रहा है 7 और 3 आंखें फाड़ फाड़ के, 7 + 3 को जोड़ते हैं तो 10 आता है और 7 + 3 करते हैं तो 21 आता है। तो बड़ा ही आसान सा था। अब बस दिमाग लगा के सोचना कि क्या टुकड़े हो सकते हैं, इतना टाइम नहीं लगाना, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसमें भी बता सकते हो। देखो इन दोनों का गुणा किया, दिमाग में गुणा करना है, 7 इसको गुणा किया, इससे 3 आया, 7 को 3 से गुणा किया 21 आया, चलो ठीक है 21। 21 के क्या टुकड़े करें, 7 × 3 और 7 + 3 10। ये दिमाग में होनी चाहिए कैलकुलेशन, तो कर दो। √3x² 10 के क्या टुकड़े करें, 7 और x, तो इनके आगे xx और लगा दो, ठीक है, इनके आगे xx और लगा दो, तो 7x + 3x क्या आ गया अपने पास, टुकड़े आ गए, और इसको एज इट इज दे दो, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था, पहले 2 का जोड़ा बना लो, फिर 2 का आगे का पेयर बना लो। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो सर, x कॉमन आ रहा है, दोनों के पास xx है, तो x निकाल लिया, तो इसके पास क्या बचेगा, √3, और x भी बचेगा क्योंकि इसके बाद 2x है, इसके पास से x निकाल लिया तो क्या बचेगा, 7 बचेगा सर। इनके पास देखो क्या कॉमन आ रहा है, कि सर इनके पास तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, ये तो सब अलग अलग है। अरे है इनके पास कॉमन, अभी बताता हूँ। देखो ये जो 3 है ना, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों का गुणा क्या होता है, 3 ही होता है। हाँ सर है तो बात सही, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ √3 × √3x + 7 √3 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। हाँ जी सर, आपने तो निकाल दिया भाई ऐसे। अब देखो कौन 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 बना रहा है इसमें, कि सर √3 √3 दोनों के पास है, दोनों के पास है, तो बाहर अब निकाल लो इनको, ठेप दो बाहर, इसके पास ये गायब कर लिया तो ये बचा, इसके पास से ये गायब कर लिया तो 7 बचा। अब देखो अपने ब्रैकेट बराबर हैं क्या दोनों, इसको देखो और इसको देखो, कि सर दोनों बराबर हैं, बराबर हैं, तो इसका मतलब मैं 100% सही हूँ और आप भी 100% सही हो, क्योंकि आप भी तो करवा रहे हो सवाल, ठीक है, तो ये सवाल सही है। अब दोनों के पास से क्या कॉमन निकालो, ये दोनों ब्रैकेट बाहर निकाल लो, बाहर निकालेंगे तो √3 + 7 बाहर निकाला, इसके पास भाई साहब के पास, तो इसके पास क्या बचे, x बच गया, इसको गरीब को इसके पास से निकाल लिया एक लड्डू, तो इसके पास ओनली ये अकेला बच गया, क्योंकि इसका जुड़वा भाई तो साथ में निकाल लिया। हम दोनों बराबर नहीं है इस बार जुड़वा पैदा नहीं हुए, अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, जुड़वा हो ना हो अपने को तो सवाल से मतलब है, ठीक है। क्या करना है, दोनों ब्रैकेटों को 0 के बराबर लिख दो, 0 के बराबर लिखेंगे, ये बराबर इक्वल टू 0, एक्स का मान निकालना है अपने को, एक्स के 2 मान आएंगे क्योंकि घात 2 है, मैंने पहले कहा था, इस 7 को उधर लेके जाएंगे तो √3x = -7 हो जाएगा, और एक्स जो 7 में गुणा में होता है ना, याद रखना वो हमेशा भाग में जाता है इधर, है ना, कई बच्चों को नहीं पता होता ये, कहीं उधर प्लस कर देते हो जाके, लेकिन ये 7 का नीचे गुणा में जाता है। अब इधर देखो इससे क्या आता है, x + √3 को बराबर 0 किया तो ये x = -√3 आ गया, तो x के कितने मान आ गए, x के 2 मान आ गए, ठीक है। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन खत्म हुआ, चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। और दूसरी बात देखो समझ में आ रहा है, लाइक कर देना अभी के अभी, जो अंगूठा है ना आपका अंगूठा है ना, उस अंगूठे को उस अंगूठे पे दबाओ, नीला नीला अंगूठा दिख रहा है नीचे, उस अंगूठे पे दबाओ, है ना, इस वाले पे मत दबा देना, इस सीधे वाले से, है ना, इसका मतलब उल्टा हो गया, उल्टा थोड़ी चलना, सीधा चलना, ठीक है। और वो जो लाल लाल लिखा हुआ ना सब्सक्राइब, उसको बजाओ, और घंटी सी है ना नीचे, घंटी का निशान आ रहा होगा, ऐसे मंदिर में घंटी बजाते हैं वैसा, उसको भी टन टन करो, एक बार बजाओ, देखो वो बजेगी टन टन, घंटी बजती है, यहाँ भी मंदिर है, अरे शिक्षा का मंदिर है ना, होता है कि नहीं, शिक्षा का मंदिर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।